और अब बात गिरिराज सिंह की करेंगे। गिरिराज सिंह 5 दिन की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार के भागलपुर से 5 दिन की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा 22 अक्टूबर को किशनगंज में खत्म होगी। गिरिराज सिंह की यात्रा से पहले ही बिहार में सियासी उबाल आ गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बहाने गिरिराज सिंह पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। लेकिन गिरिराज सिंह का कहना है कि वो हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए यात्रा कल कर रहे हैं। वो एमपी या एमएलए बनकर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि हिंदू बनकर पैदा हुए। अगर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो तैयार है, लेकिन ये यात्रा नहीं रोकेंगे। लोग पूछते हैं गिरिराज जी ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, भारत के बिहार के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए। हम ये यात्रा मेरे मन में 2015 से ये मेरा मन रोज विचलित हो रहा था। वो कहानी भी बताऊंगा। मैंने कहा कि मैं पैदा लिया, क्या मंत्री बन के पैदा लिया? मंत्री बन के पैदा नहीं लिया ना। मैं एमएलए एमपी बना, मंत्री बनके एमएलए बनके पैदा नहीं लिया ना, एमपी बनके पैदा नहीं लिया ना। मैं पैदा लिया हूं हिंदू बन करके। अगर ये हिंदू की रक्षा के लिए, अगर ये हिंदू को एक करने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं सब कुछ त्याग सकता, लेकिन अपने कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता। ये हिंदू जागरण यात्रा, ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है, करारा जवाब मिलेगा। आप ये बताइए, उसका नाम लिया हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्या ऐसा कोई भी हिंदू इसको स्वाभिमान नहीं है, स्वाभिमानी नहीं है? मैं भी हिंदू हूँ, ये सारे हिंदू स्वाभिमानी हैं, तो आप यात्रा क्यों निकाल रहे हो? वो भी भागलपुर से शुरू की, आप बेगूसराय से सांसद हो, आपको पहले वहां से निकालना चाहिए। इसका मतलब कि बेगूसराय में हिंदू सब स्वाभिमानी है और भागलपुर में जहां जहां आप जा रहे हैं वहां हिंदू स्वाभिमानी नहीं है? ये तो बिल्कुल गलत है। आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, ये यात्रा जो निकाले हैं, हमारे हिंदू भाई रहे या मुसलमान भाई रहे, हम लोग सब एक हैं। और खुद गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब सवाल आपकी यात्रा के टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं, और आरोप तो आपने सुन ही लिए हैं कि अशांति फैलाने के लिए इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है। विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि बेगूसराय जहां से आप सांसद हैं वहां से यात्रा निकालते, भागलपुर से क्यों शुरू कर रहे हैं? कहीं से शुरू करते, कहीं एक जगह से ही शुरू करूंगा, चाहे बेगूसराय से करूं चाहे भागलपुर से करूं। इसलिए ये यात्रा का विरोध करने वाले अपने ढंग से विरोध कर रहे हैं। मैं तो केवल बाबा साहेब के उस युक्ति को, जो उन्होंने बंटवारे के समय 1947 में नेहरू जी से कहा था कि अगर बंटवारा करना है तो टोटल पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र करें, नहीं तो भारत कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा। आज बाबा साहेब की बातें दिख रहा है। आज हमें लोग कह रहे हैं कि रामनवमी का जुलूस इस रास्ते से क्यों जाएगा। आज हमें कह रहे हैं लोग कि कांवर की यात्रा इस रास्ते से नहीं जाएगा। आज कह रहे हैं बिहार में भी दुर्गा विसर्जन में इधर से नहीं जाएगा, रामनवमी में इधर से नहीं जाएगा। इसीलिए इस यात्रा की जरूरी है हिंदुओं को संगठित करना, और संगठित जब हम रहेंगे, जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं ये लोग वोट के खातिर हैं,
इनकी जुबान नहीं खुलती जब बहराइच में किसी हिंदू लड़के को दुर्गा मूर्ति के विसर्जन में दरिंदों की तरह मार दिया जाए, तब इनकी जुबान नहीं खुलती है। ये वही लोग हैं जो बंगाल में घटनाएं घटती तो उनकी जुबान नहीं खुलती, ये वही लोग हैं। इसलिए इन लोगों का चेहरा बेनकाब है। ये लोग मुस्लिम धर्म को वोट समझ लिया है और वही वोट लेने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों को बटोरने के लिए, पोलराइजेशन के लिए इस तरह की काम किए जाते हैं, तो आप पर भी आरोप लग रहा है ना कि हिंदू वोट पोलराइज करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। और जो रूट मैप आपने डिसाइड किया है कहां से यात्रा शुरू होगी, कहां कहां जाएगी, कहां खत्म होगी, ये किस आधार पर किया है? अरे ये कहीं आपसे पंचायती थोड़े किया था कि आपसे मैं पूछूंगा। हमको जहां से यात्रा निकालना था वहां से निकाला, हमको किसी से पूछना थोड़े था कि हम आरजेडी से पूछते, कांग्रेस से पूछते या किसी चैनल से पूछते। हमको जहां से सूट लगा कि कहीं से शुरू करना, हमने शुरू किया। ये तो बेतुकी बात है कि किशनगंज से क्यों शुरू किए, भागलपुर से क्यों किए, ये कोई मतलब है? कहीं से शुरू करना है और यहाँ से ना शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ? ये भारत का अंग है कि नहीं, ये बिहार का अंग है कि नहीं? उस समय तो कोई नहीं आते। पर आपके सहयोगी नीतीश कुमार, जेडीयू इस पूरी यात्रा से कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है, साथ ही इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप ये मानते हैं कि बिहार में हिंदू एकजुट नहीं है और आपकी इस यात्रा से कहीं ना कहीं उसमें एकजुटता की भावना आएगी, स्वाभिमान की बात जो आप बार बार लगातार कह रहे हैं, स्वाभिमान आएगा सभी हिंदुओं में? भाई सीधा सवाल है, संगठित रहोगे सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे, यही संदेश देने जा रहा हूं। तो बट गया है वहां पर हिंदू क्या गिरिराज जी, आप क्यों ऐसा लग रहा है? आपकी इस यात्रा से क्या एकजुट हो जाएगा अचानक से? जैसे आपने कहा कि मैं ना एमपी एमएलए कुछ बनकर पैदा नहीं हुआ था, हिंदू बनकर पैदा हुआ था, तो सब में आप यही भावना जगाना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हाँ, बिल्कुल, हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है हिंदू बनकर पैदा हुआ है और उसे इस भावना से ही ओतप्रोत होकर अपना जीवन त्याग देना चाहिए? इसको आप जिस एंगल से सोच रही हैं वो आपका एंगल है। मेरा एंगल है शांति व्यवस्था कायम करना, मेरा एंगल है दंगा ना हो, मेरा एंगल है सब मिलजुल करके हिंदू एक भाईचारे की तरह रहें। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं से अपील कर रहा हूँ, हिंदुओं के लिए अपील कर रहा हूँ। काहे को इतना चिंता सबको सता रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी इस यात्रा के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।